ये कोडरमा स्टेशन है गाइस। और हरे कृष्णा गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल के एक नई वीडियो में। तो आज अभी हम यहाँ से जा रहे हैं पटना जंक्शन, क्योंकि आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस से, और वो भी फर्स्ट टाइम, जो कि पटना जंक्शन प्लेटफार्म नंबर 10 पे लगी हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं सुबह का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। और अभी टाइम हो चुके हैं 5:45, और हमारी जो पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है वो प्लेटफार्म नंबर 10 से खुलेगी। तो नज़ारा कुछ इस तरीके का है, जो कि आप देख सकते हैं सामने में सूर्य देवता उग चुके हैं और वो पटना जंक्शन है। अभी हम पटना जंक्शन प्लेटफार्म नंबर 10 की ओर जा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम फाइनली पहुँच गए हैं पटना जंक्शन प्लेटफार्म नंबर 10 पे। और यहाँ पे सुबह में देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रैवल करने वाले हैं, इतना सुबह सुबह सब लोग ट्रैवल करते हैं। और फाइनली हमारी ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 10 पे आ चुकी है। तो पटना से यह प्लेटफार्म नंबर 10 से 6:10 में डिपार्ट हो जाती ऑन द टाइम गया जंक्शन। यह जो ट्रेन जन शताब्दी एक्सप्रेस है, यह हावड़ा से चलकर रांची तक को जाती है, और अभी ये फ़िलहाल गया जाएगी, वहाँ से फिर कोडरमा होते हुए रांची को जाएगी, पर मुझे कोडरमा ही जाना है। तो व्लॉग वीडियो में बने रहिए, न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। और यहाँ पर देख सकते हैं दादाजी भी गेट पर का नज़ारा का आनंद उठाते हैं। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं गया जंक्शन। यह 8 बजे के आसपास सुबह में छोड़ देती है, जो कि पटना से 6:10 में खुलती है। तो आपको 1:50 लगने वाले हैं अगर आप पटना से गया आ रहे हो। तो ट्रेन के अंदर इंटीरियर का लुक कुछ ऐसा है, जो कि आप देख सकते हैं। तो फाइनली अब हमारी जो ट्रेन थी वह गया जंक्शन से कोडरमा जाने के लिए तैयार हो चुकी थी, और फाइनली गया जंक्शन से हम लोग निकल चुके थे ऑन टाइम कोडरमा जंक्शन के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वह कितनी लंबी है, ये आपको वीडियो में देखने को मिल गया होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ही ज़्यादा प्यारी मौसम रखी है, और दूर दूर तक ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। ये देखकर और भी खुशी, और देख सकते हैं यहाँ पे भाई साहब दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ और ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। तो इससे हर कोई यहाँ पे टोटल प्लेटफार्म नंबर 7 हैं, यहाँ पे टोटल प्लेटफार्म हैं जो 7 हैं। और वहाँ पे देख सकते हैं अपना देश का तिरंगा काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे से लहरा रहा है।